Welcome to online classes, mathematics. In previous classes, we are already solved many types of formulae. In question, हम previous class में अनेकों प्रकार के formulae solve किए, अनेकों प्रकार के method जान लिए. लेकिन आज के date में जो है, हम पहले जो है तीन मेथड जान पाए, एक है ट्रायल एंड एरर, दूसरा है स्टैटिक मेथड, तीसरा है पोजीशन मेथड. ठीक है, इन तीनों मेथड के बारे में जो है आज हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम जो है इसके बारे में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो आपके बुक में पेज नंबर 129 पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है. चेक पॉइंट का क्वेश्चन है. देखेंगे फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड. ठीक है, फाइंड द, तो चलिए ट्रायल और एरर मेथड ए वाला है आपका जो है. जैसे 31x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 66. अब आपको ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करिए, जिससे चलिए ट्रायल एरर लेट x इक्वल टू 1. तो लेफ्ट हैंड साइड में रखिए 31 इंटू 1 माइनस 5. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 31 में से 5 जाएगा जो है, तो आप आ जाएगा 26. लेकिन हम देख रहे हैं कि ए वैल्यू माइनस में है, ए वैल्यू प्लस में है, ए वैल्यू माइनस में है. तो अगर लेट x इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं तो 31 इंटू माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 31 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 36 हो जाएगा. राइट आंसर नॉट इक्वल टू माइनस 67, क्योंकि ए जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है. तो दूसरी में अगर एक्स इक्वल टू माइनस 2 हो तो आप आई 31 इंटू माइनस 2 माइनस 5 माइनस 62 माइनस 5 मतलब माइनस 67 हो जाएगा. अब ए 67 ही जो है इक्वल हो गया, क्योंकि इसके बराबर में माइनस 67 आपको राइट हैंड साइड में भी है. ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जब बराबर हो गया तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2. यही आपका आंसर हो गया. एक बार पूछे, आपने क्वेश्चन को लिख लिया, सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि माइनस जो राइट हैंड साइड है हमेशा निगेटिव आ रहा है, जबकि हमारा पार्टी का रहा है, इसलिए माइनस में वैल्यू लेते हैं. x की वैल्यू माइनस 1 लेंगे तो आपका वैल्यू जो आ गया माइनस 36. अब माइनस 36 जो है नॉट इक्वल टू माइनस 67, सो नेक्स्ट वैल्यू x इक्वल टू माइनस 2, देन 31 इंटू माइनस 2 माइनस 5 माइनस 62 माइनस 5 माइनस 5 टोटल माइनस 67 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस 67, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड इफ द मेन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 2. दिस इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिक्सटी से सिक्स क्वेश्चन में ज्यादा पॉलीनोमियल मेकिंग मेथड आपका ये वाला है. इसको सिक्स मेकिंग मेथड से सॉल्व करो, 9x प्लस 81 प्लस 9. तो सबसे पहले
सिस्टमेटिक वेटे में आपको क्या करना है कि क्या हो गया 9x इक्वल टू 81 और 9 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 90 हो गया। तो हम दोनों साइडों में क्या करते हैं 9 से डिवाइड कर देते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं 9x अपॉन 9 इक्वल टू 90 अपॉन 9 9 से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है retry 9x equal to 81 plus 9 this is a question then turn 9x equal to 81 plus 9 total 90 फिर divided by 9 on both side तो 9x upon 9 equal to 90 upon 9 तो 9 10 जा 90 9 जा 9 तो x equal to 10 नेक्स्ट क्वेश्चन बी पावर 6 का बी पावर जेड अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 20 इन बोथ साइड एडेड प्लस 3 जेड अपॉन 4 माइनस 3 प्लस 3 20 प्लस 3 बोथ साइड एडेड प्लस 3 3 3 कैंसिल 3 अपॉन 4 इक्वल टू 23 हो गया। आप क्या करेंगे ऑन बोथ साइड डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जेड अपॉन 4 इनटू 4 23 अपॉन 4 इनटू 4 4 4 कैंसिल जेड इक्वल टू 4 3 जा 12 4 2 जा 8 और प्लस 1 9 दिस इज योर वैल्यू आंसर। नेक्स्ट फार्मूले से अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्रांसपोजिशन मेथड से भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन ट्रांसपोजिशन मेथड आज चेक द आंसर a इक्वल टू 24 माइनस 3 p प्लस 1 इक्वल टू 2 आपको ये ट्रांसपोजिशन इसको ट्रांसफर कर दीजिए ए पार्ट इधर चला जाए ए पार्ट इधर चला जाए या ए पार्ट ये पर आ जाए ए पार्ट इधर चला जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको इधर ले जाते हैं माइनस 3 पी प्लस 1 2 माइनस 24 तो हो जाएगा माइनस 22 माइनस माइनस को क्या करते हैं प्लस कर देते हैं 3 पी प्लस 3 इक्वल टू 22 3 को इधर लेके जाते हैं 3p equal to 22 minus 3 क्या हो जाएगा 22 को जो है 22 में से जो है आपको जो है क्या करना है घटा दीजिए ये आ जाएगा 19 तो p equal to 19 upon यही आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट है माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू x माइनस 1 एक माइनस 3x x इधर आएगा माइनस 3x माइनस x हो जाएगा ये पार्ट भी इधर नेगेटिव हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 7 माइनस 4x माइनस 8 प्लस प्लस हो जाएगा एक्स इक्वल टू एट अपॉन फोर हो जाएगा ये आपकी वैल्यू आ गई। सेम इसी तरीके से हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है कल मेरे एग्जाम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे
आज के लिए इतना ही, थैंक यू।